पास बस वन वर्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कीको, तुम्हारे केक्स इतने परफेक्ट होने के बावजूद तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के केक्स परफेक्ट नहीं रहेंगी। प्रैक्टिस घटी कि केक्स की परफेक्शन हटी। वाव, तुमसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कीको। बस हो गया, मैंने भी फैसला किया है, अब मैं भी ढेर सारी प्रैक्टिस करूंगा और परफेक्ट बनूंगा। खाना खाने में कुछ खा लेता हूँ। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। सुपर चोर मिस्टर एक्स ने फिर किया सनसिटी को चैलेंज। मुझे नहीं लगता है सर कि मिस्टर एक्स इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच और आप जैसे सुपर जासूस के होते हुए यहाँ चोरी करने की हिम्मत करेगा। राइट जासूस जूनियर। इतिहास गवाह है, जब जब मिस्टर एक्स चोरी करने का चैलेंज देता है तब तब वो उस चैलेंज को जीत कर ही रहता है। अगर मिस्टर एक्स ने राजा सूर्य सिंह की 400 साल पुरानी तलवार को म्यूजियम से चुराने का चैलेंज दिया है तो वो यहाँ जरूर आएगा। और जब वो यहाँ आएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे मम्मी। ईश, ओए पिचके हुए साबु, दाने के उबले हुए साबु, ट्रेन की टूटी में टूटे तरल का तूफान, टाटा बोल का टॉइंग से टहलेगा। हाँ? सर कोड लैंग्वेज में कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेयर साहब, क्योंकि मैं हूँ जासूस झटपट, मिस्टर एक्स को भी पकड़ लूंगा फटाफट। इस स्टाइल में चुराता हूँ मैं, इस स्टाइल में और जाता हूँ मैं, इस स्टाइल में। मिस्टर एक्स नाम है मेरा, चैलेंज देकर चोरी करना काम है मेरा, वो भी इस स्टाइल में। हम मिस्टर एक्स का इंतजार जमीन पर करते रह गए और वो तो आसमान से आ गया। मम्मी, मैं हूँ जासूस झटपट, अरेस्ट करूंगा मिस्टर एक्स को फटाफट। R7 ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब फिर से कोई मुसीबत आ गई है सन सिटी पर। मिस्टर एक्स नाम है मेरा, चैलेंज देकर चोरी करना काम है मेरा, वो भी इस स्टाइल में। हाँ।
ये बच्चा कौन है जो इस तरह मेरी ओर आ रहा है? गुड इवनिंग चोर अंकल, मेरा नाम किको है और आप प्लीज राजा सूरज सिंह अंकल की तलवार लौटा दीजिए। बच्चे, तुम जितनी अच्छी उछाल कूद करते हो उससे भी ज्यादा अच्छी बातें करते हो, मगर मैं भी जितनी अच्छी चोरी करता हूँ उससे भी अच्छा चकमा देता हूँ, वो भी स्टाइल में। रुकिए, रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। एयो कीको, आया बड़ी सुपर स्पीडो, करने आया परेशानी दूर, क्या तुम कीको बताओ, मस्ती करनी है या दुश्मनों से कुश्ती, लॉन्ग ड्राइव पे चलना है या करनी किसकी छुट्टी, रॉन्ग से है खट्टी, राइट से है बट्टी, हाउ कैन आई हेल्प यू बताओ जल्दी जल्दी। सुपर स्पीडो, मिस्टर एक्स हमारे सनसिटी के म्यूजियम की कीमती तलवार चुराकर भाग रहे हैं, उनका पीछा करो। जिप जैप जूम जूम कर दो सिट्टी पिट्टी गुम, तेरी बाइक तू बता है तो स्पीडो भी तैयार है, चोरी करने वालों की हमेशा होती हार है, तैयार है हाँ हाँ, तू भाग जितना भागेगा हम तेरे पीछे आएंगे, चोरी करने वालों को हम सबक सिखाएंगे, जिप जैप जूम जूम कर दो सिट्टी पिट्टी गुम। ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी मिस्टर एक्स कहाँ जा सकता है? हर तरफ खुला मैदान है बड़ी, फिर भी मिस्टर एक्स गायब हो गए, वो भी स्टाइल में। हाँ, वो मिस्टर एक्स पलक झपकते ही इतनी दूर कैसे जा सकता है? किनारे नुक्कड़ है, टोनी बॉस भुक्कड़ है। टोनी का मुक्का मतलब हुड़ हुड़ भुक्का। सॉरी बॉस, हम तो आपको भुक्कड़ इसलिए कह रहे थे क्योंकि क्योंकि डोडो के यमी आलू के पराठे देखकर हमेशा की तरह आपके मुंह से पानी जरूर टपकेगा। कीको मिस्टर एक्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है, उस बेचारी की चिंता दूर करने के लिए मुझे कुछ चिंता करनी चाहिए, कुछ खा लेता हूँ। हाँ। ये पराठे हम खाएंगे। हाँ? हाँ? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि कोई सुपर बाइक हमारे सुपर स्पीडो से फास्ट कैसे हो सकती है। मैं तो टू वर्ड्स में हो चुकी हूँ, हक्का बक्का। हमें कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, हो सकता है मिस्टर एक्स के पास कोई सुपर बाइक हो, पर सवाल ये है कि पलक झपकते ही वो इतनी दूर कैसे जा सकता है।
सुपर स्पीडो, क्या कुछ पता चला? मिस्टर एक्स ये करते चोरी नहीं रोज ये चैलेंज देना इनका शौक हाँ सुपर बाइक इनके पास है पलक झपकते गायब हो जाते चोरी करके नजर ना आते जल्दी से रोको मिस्टर एक्स को अच्छे नहीं लगते इनके इरादे अच्छा तो वो कई बार ऐसे अचानक गायब हुए हैं थैंक यू सुपर स्पीडो मिस्टर एक्स को पकड़ने का बस एक ही तरीका बचा है अगर उसके पलक झपकते ही वो गायब होकर दूर कैसे चला जाता है का राज पता चल जाए तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है आग लगी है बचाओ बचाओ आग लग गई है बचाओ ये क्या कर रहे हो टोनी बॉस का बचाओ बचाओ का राग है डोडो के तीखे पराठे से उनके मुंह में लगी आग है डोडो तुम इतने तीखे पराठे क्यों खा रहे थे इसका जवाब मैं देती हूँ टोनी रोज रोज डोडो को बुली करके उसका लंच बॉक्स चट कर जाता था टोनी को सबक सिखाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया मैंने डोडो को एक जैसे दो लंच बॉक्सेस लाने के लिए कहा एक जो टोनी के हाथ में है और दूसरा ये रहा है? डोडो लंच बॉक्सेस मगर क्यों ताकि फर्स्ट लंच बॉक्स में मिर्ची वाले पराठे हों और जब टोनी उसे छीनकर खाए तो उसे पनिशमेंट मिले वन वर्ड में राइट और सेकंड लंच बॉक्स में नॉर्मल पराठे जो अब डोडो खा सकता है अब मैं बिना मिर्ची वाला पराठा खा लेता हूँ मैं इसका बदला जरूर लूंगा चलाओ डोडो का टिफिन बच रहा है टोनी बॉस का हुआ कचरा है वाह ट्विंकल तुम्हारे दो लंच बॉक्सेस वाले आइडिया ने तो कमाल कर दिया तुम ही कहते हो ना कीको जहाँ ट्रिक चलती हो वहाँ किक नहीं चलानी चाहिए हाँ हमेशा मतलब हमेशा ही कहते हो आइडिया उस मिस्टर एक्स को पकड़ने का एक आइडिया आया है मैं हूँ जासूस झटपट और केस सुलझाऊं फटाफट लेकिन सर ये केस तो आप नहीं कीको सुलझा रहा है नहीं नहीं ये केस मैं अकेला नहीं बल्कि हम सब मिलकर सुलझा रहे हैं कीको अगर डोसे का मसाला आलू है तो पाव भाजी का मसाला चालू है पहली में सर का सवाल बिल्कुल सही है क्या तुम्हें यकीन है कीको कि मिस्टर एक्स को पकड़ने का ये प्लान वर्क करेगा जरूर वर्क करेगा क्योंकि उस मिस्टर एक्स को चोरी से ज्यादा मजा चैलेंज जीतने में आता है और इस चैलेंज को जीतने वो जरूर आएगा और तब हम चलेंगे हमारी अगली चाल सन सिटी ने किया है मिस्टर एक्स को चैलेंज सन सिटी ने किया मिस्टर एक्स को चैलेंज दम हो तो चुरा कर दिखाओ राजा सूर्य सिंह का बेशकीमती खजाना जिन्हें आज म्यूजियम से निकाल कर किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जाएगा मुझे चैलेंज किया न्यूज़पेपर में छपवा दिया बहुत बड़ी गलती की आज राजा सूर्य सिंह का खजाना म्यूजियम से निकलेगा जरूर मगर अपने सीक्रेट लोकेशन तक पहुंचेगा नहीं राजा सूर्य सिंह के सारे बेश कीमती हथियार और खजाना इस लॉकर के अंदर है अगर मिस्टर एक्स को पकड़ने का ये प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं ये शुरुआत दूंगा ममीब बैट बॉल बलून बुलबुला सब है थुल 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 थुला सर पहले मैं कह रहे हैं कि मेयर साहब आपके साथ साथ सर भी फूट फूट कर रोएंगे मम्मी मम्मी ओए सोयाबीन के सोए हुए बीन मेरा मतलब था मैं हूँ जासूस झटपट रोकूंगा मिस्टर एक्स को फटाफट चलिए बहुत लेट हो गया है टू वर्ड्स में लेट्स गो रास्ते में एनर्जी के लिए खा लेता हूँ मैंगो इस रिमोट के होते हुए मिस्टर एक्स इस लॉकर को अकेले नहीं ले जा पाएगा मिस्टर एक्स कहां से और कैसे आएंगे ये पता नहीं मगर इतना पता है कि वो आएगा जरूर हाँ
मोरी मोरी मदर। मिस्टर एक्स तो आ गया है। बहुत जोर से आ गए हैं, मगर है कहाँ? हाँ? आता हूँ इस स्टाइल में, छुराता हूँ इस स्टाइल में, और जाता हूँ इस स्टाइल में। हाँ? मिस्टर एक्स नाम है मेरा, चैलेंज देकर चोरी करना काम है मेरा, वो भी इस स्टाइल में। चैलेंज देकर मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया। वो आ गया और चला भी गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस लॉकर में ड्रिल्स लगे हैं। ओए मेयर साहब, शेर करेगा कूड़ू को, कीड़ा सॉल्व करेगा सूडू को। पहेली में सही कहा सर, आज मिस्टर एक्स का खेल खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग मिस्टर एक्स, तुम ये चैलेंज हार चुके हो। मिस्टर एक्स दो चीज कभी नहीं हारता, रेस और चैलेंज, वो भी इस स्टाइल में। दो मिस्टर एक्स, वन वर्ड में जुड़वा, बहुत बहुत ही ज्यादा जुड़वा। हाँ, और मैं ये बात तब समझा जब डोडो ने अपने दो लंच बॉक्सेस के साथ टोनी को सबक सिखाया। पीछा करते वक्त मिस्टर एक्स का हमेशा गायब हो जाना और दूर कहीं से निकलना, वो इसीलिए पॉसिबल होता था क्योंकि एक भाई छिप जाता था और दूसरा भाई कहीं दूर अपीयर होता था। शायद इसी वजह से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने उस गायब हुए स्पॉट पर एक बंकर बना देखा। बहुत खूब, ठीक हो, बहुत स्टाइल है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में। हम हमेशा दुनिया को बंकर बनाकर चकमा देता था, उस दिन भी तुम्हें ऐसा ही चकमा दिया था। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था अंकल, मगर एक गलती कर दी। उस दिन आपकी पीठ पर राजा सूर्य सिंह अंकल की तलवार थी, मगर आपकी ट्विन की पीठ पर नहीं। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी, मगर डोडो के दो टिफिन बॉक्स वाली बात से भी आपके दो भाई होने का शक हुआ था और आपको एक्सपोज करने का ये प्लान बनाया। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, मगर अफसोस ये फेल हो गया। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले एक सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें दोनों मिस्टर एक्स को पकड़ना होगा। ये तो रस्सी के जाल में हमें फंसा रहे हैं। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 232। ओके बड़ी, फॉर्मूला नंबर 232 एक्टिवेटिंग। अब तक तुमने मुझ पर वार किया है, अब मैं अपनी आखिरी चाल तुम पर चलाऊंगा। Ha ha ha!
अभी भी आप दोनों के पास एक मौका है, आप दोनों सरेंडर कर दीजिए, सजा कम मिलेगी। सजा तो आप हम तुम्हें देंगे हमारे बाइक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैंने कहा था ना, प्रेमी आशिक आवारा अब पागल मजनू दीवाना बनेगा। आपने पहेली में बिल्कुल सही कहा सर, मिस्टर एक्स जाएंगे जेल झटपट, सजा काटेंगे फटाफट। मैंने आपसे पहले ही कहा था सरेंडर कर दीजिए, आप दोनों ने बिना बात की इतनी मेहनत की। अच्छा, अब सन सिटी जेल में पत्थर तोड़ना वो भी स्टाइल में।